हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। होली 2020, होलिका दहन, रंग वाली होली, तिथि व शुभ मुहूर्त। होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रंगों के इस त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें रंगों के माध्यम से संस्कृति के रंग में सारी विभिन्नताएं मिट जाती हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति में फैली विभिन्न रंगों की छटा को रंगों से खेलकर बसंत उत्सव और होली के रूप में दर्शाया जाता है। आज हम आपको साल 2020 में मनाई जाने वाली होली के त्यौहार की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। होली कब मनाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंग से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी तथा धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। वहीं होली का यह पर्व हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की नारायण भक्ति को समर्पित पर्व है, जो सत्य और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में होली का पर्व 9 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 9 मार्च सोमवार शाम 6:24 से 8:50 तक। रंग वाली होली शुभ मुहूर्त 10 मार्च मंगलवार। भद्रा पुंज का समय होगा 9:37 से 10:38। भद्रा मुख का समय होगा 10:38 से 12:19। पूर्णिमा तिथि आरम्भ होगी 9 मार्च सोमवार 3:03 पर। वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 मार्च 11:16 पर। होलिका दहन पूजा विधि व महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। होलिका दहन करने से पहले होली पूजन करने की परंपरा है, जिसके लिए पूजा के समय पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका पूजन के लिए माला, डोली, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मोम, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बलिया और एक लोटे में जल लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के जरूरी नियम। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के कुछ ऐसे जरूरी और खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन होलिका दहन के समय अवश्य ही करना चाहिए। पहला नियम, उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए, अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि जरूर होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने का विधान है, जिसमें सभी के साथ मिलकर रंग या अबीर गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।